हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुई धागा में। आज हम लहंगे में जिप कैसे लगाते हैं वो बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें पहले मेजरमेंट ले लेना है कि हमें कितने इंच तक अपना जिप लगाना है। तो मैं 7.5 इंच तक जिप लगाने वाली हूँ। तो वैसे ही हम दोनों पार्ट में मार्किंग कर लेंगे 7.5 इंच पर। इसके बाद हम इसे अब हम इसे अंदर की तरफ भी 7.5 इंच पे मार्किंग कर लेंगे दोनों तरफ। उसके बाद हम इसे दोनों को जॉइंट करके यहाँ से 1 इंच ऐसे सिलाई मार लेंगे। उतना जॉइंट करने के बाद हम इसमें जिप लगाना शुरू करेंगे। अब हम अपने लहंगे को सीधा कर लेंगे। उसके बाद हम ये दोनों पार्ट को ऐसे रखेंगे। फिर हम यहाँ पे ऐसे जिप रखेंगे। हमें बस हम ये पार्ट में जिप को इस साइड पे ऐसे पलटी करना है, उल्टा करके लगाना है हमें जिप। ऐसे रखने के बाद हम इसमें दाब चेंज करेंगे। हमने जहाँ तक मार्किंग की थी वहाँ तक हम सीधा सिलाई करते जाएंगे। लॉक कर लेंगे। ऐसे हमारी एक बार हमें चेक कर लेना है हमारी जिप ठीक से बंद हो रही है कि नहीं, कपड़ा नहीं फंसना चाहिए। ऐसे ही हम सेकेंड पार्ट में भी और यहाँ पे भी हमें ऐसे सेम सिलाई कर लेनी है। जहाँ तक हमने मार्किंग की थी वहाँ तक हम सिलाई कर लेंगे। इसके बाद हम फिर से चेक कर लेंगे हमारी जिप सही लगी है कि नहीं। हमारा जिप लग के तैयार हो चुका है, ओपन और बंद भी हो रहा है। तो अब हम यहाँ पे इसे लॉक कर देंगे। अब हम जहाँ पे हमारा जिप का एंड हुआ है वहाँ पे हम इसे लॉक कर देंगे बस। उसके बाद हम बची हुई जिप को काट लेंगे। इसी तरह हमारा जिप लग के तैयार हो चुका है। और वो सबसे इजी मेथड मैंने आपको बताया है। यहाँ पे हम इसे कट कर लेंगे। अगर आपको इस घाघरे का कटिंग और स्टिचिंग देखना है तो आप हमारे चैनल में जाके देख सकते हैं।